आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आप सभी फेस्टिवल्स में मस्त होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में आई हुई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जो हिंदुस्तानी त्यौहार बड़े धूमधाम से मना रही हैं और उनके त्यौहारों की जो झलक है वो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर आती है, जहाँ पर उनके तमाम फॉलोअर्स इंतजार करते हैं उनके अपकमिंग वीडियो का कि नया वीडियो डालें। जरा हम देखें तो सही सीमा हैदर की जिंदगी में चल क्या रहा है। सीमा हैदर ने अभी हाल ही में करवा चौथ मनाया है, करवा चौथ वो भी दुल्हन की तरह एकदम सज के, लाल उन्होंने पहना और बड़ी खूबसूरत सीमा हैदर लग रही थी। उन्होंने खुद बताया भी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहर में किसी से तैयार हुई हूँ, यानी कि ब्यूटीशियन आई थी उनके घर और सीमा हैदर को उन्होंने बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया और फिर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में छत पर गए, चांद देखा, आरती उतारी, उसी तरह पानी पिलाया और फिर पैर छूकर सीमा हैदर ने सचिन मीणा का आशीर्वाद लिया और ये कहा कि मेरे जैसा जो पति है वो हर किसी को मिले। और अब सीमा हैदर कह रही हैं कि सचिन मीणा जैसा पति पाकर वो खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। अब करवा चौथ की हर पिक्चर आपने देख ली होगी, हर वीडियो भी आपने देख लिया होगा और यहाँ साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए एक दूसरे को गाना डेडिकेट करते हुए देख लिया होगा। जान ओ मेरी जान, ये गाना तो बहुत बार आपने सोशल मीडिया पर सुन लिया होगा, जो ये दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेट करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं, बिल्कुल जान देने के लिए, जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं, आसपास इतना ज़्यादा खुशी का माहौल है, परिवार का हर मेंबर सपोर्ट कर रहा है और अब तो सीमा हैदर सचिन मीणा का नया कमरा भी बन गया है, उनका अपना पर्सनल स्पेस मिल गया है जिसे अपने मन मुताबिक सीमा हैदर ने सजाया है, फिर ऐसी क्या बात है कि सीमा हैदर ने जनाजे की बात की है, वो जनाजा जो किसी शख्स के मरने के बाद निकलता है। ऐसी कौन सी बात आ गई जिससे सीमा हैदर इतनी ज़्यादा मायूस हो गई कि वो जनाजे की बात करने लगी? क्या उन्हें जबरन पाकिस्तान भेजा जा रहा है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो सीमा हैदर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो सीमा हैदर को नापसंद है, या फिर क्या कोई डरा रहा है, धमका रहा है, या फिर क्या सचिन मीणा सीमा हैदर को छोड़ने वाले हैं जो वो जनाजे की बात कर रही हैं? ये बहुत से सवाल हैं जब सीमा हैदर के मुंह से आप सुनेंगे कि जनाजे की बात यहाँ कहाँ से आई। पहले तो सुन लीजिए आप। एक वादा था तेरा हर वादे के पीछे, मिलूंगा तुझे हर गली हर दरवाजे के पीछे, अफसोस जब मैंने मुर्दे देखा एक तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। और पीछे से एक आवाज़ आती है, एक वादा था मेरा तेरे हर वादे के पीछे, मिलूंगा तुझे हर गली हर दरवाजे के पीछे, अफसोस तुमने ही मुड़के ना देखा एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। सुना आपने, सीमा हैदर जो शायरी करती हैं, सीमा हैदर जो प्यार भरे गाने गाती हैं, आज वो जनाजे की शायरी यहाँ पर कर रही हैं और जनाजे पर शायरी करते हुए वो सचिन मीणा की तरफ देखती भी हैं और सचिन मीणा भी फिर आँ भरते हैं और बताते हैं कि भाई अकेली तुम मुझे प्यार करने वाली नहीं हो, यानी कि मेरे लिए तुम्हारा ही जनाजा नहीं निकलेगा बल्कि मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। हालाँकि आप मैच्योरिटी कह लीजिए या फिर प्यार की इंटेंसिटी कह लीजिए, यहाँ ये शेर तो आपने जनाजे वाला बहुत बार सुना होगा जो अभी सीमा हैदर के मुंह से आपने सुना, लेकिन जब सचिन मीणा से पूछा गया कि भाई आप इन्हें कौन सी शायरी डेडिकेट करेंगे तो थोड़ा फ़नी अंदाज में, मेरे लिहाज से तो ये फ़नी है, सचिन मीणा ने भी इस शायरी का जवाब दिया है, सुनिए। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरी सीमा करोड़ों में। सुना आपने, तो सीमा हैदर और सचिन मीणा के जो प्यार के किस्से हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, जो घर मोहल्ले आसपास के लोग हैं वो सीमा हैदर से मिलने के लिए जाते रहते हैं और इनकी पिक्चर्स इनके वीडियोस को सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पसंद कर रहे हैं दोनों की लव स्टोरी को, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई ये भी कोई मैच हुआ, ये तो पूरी तरह से मिसमैच है और कैसे कोई पाकिस्तानी महिला यहाँ आकर हिंदू संस्कृति अपना सकती है या फिर यहाँ के त्यौहार कर सकती है या फिर यहाँ आकर भारत की नागरिक कैसे बन सकती है, वो भी जब चार बच्चों के साथ आ गई है। तो इस लव स्टोरी के कई एंगल्स हैं, आपको कौन सा एंगल पसंद आता है और आगे इस जोड़ी का क्या होना चाहिए आपके मन मुताबिक, बताइएगा।